नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 26 जुलाई। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 36,314 पर। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी देखने को मिली है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक राज्य में एक साथ 2803 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा राजधानी पटना में एक साथ 544 मामलों की पुष्टि की गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया गया यह आंकड़ा 23 और 24 जुलाई का है। 23 जुलाई को राज्य में 1782 मामलों की पुष्टि की गई थी, जबकि 24 जुलाई को 1021 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो अररिया में 55, अरवल में 25, औरंगाबाद में 24, बांका में 9, बेगूसराय में 113, भागलपुर में 149, भोजपुर में 117, बक्सर में 52, दरभंगा में 27, गया में 134, गोपालगंज में 26, जमुई में 17, जहानाबाद में 46, कैमूर में 2, कटिहार में 177, खगड़िया में 41, किशनगंज में 25, लखीसराय में 39, मधेपुरा में 28, मधुबनी में 54, मुंगेर में 12, मुजफ्फरपुर में 54, नालंदा में 225, नवादा में 2, पश्चिम चंपारण में 12, पूर्वी चंपारण में 100, पूर्णिया में 120, रोहतास में 168, सहरसा में 28, समस्तीपुर में 77, सारण में 33, शेखपुरा में 41, शिवहर में 14, सीतामढ़ी में 26, सिवान में 15, सुपौल में 45, वैशाली में 124, जिसके साथ ही राज्य में कोविड-19 संक्रमण की संख्या 36,314 पर पहुंच गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार कोविड-19 से अब तक कुल मिलाकर 24,520 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 232 लोगों की जान जा चुकी है। बिहार बोर्ड ने स्थगित की डीएलएड की प्रवेश परीक्षा। बिहार बोर्ड ने 10 अगस्त को आयोजित होने वाली डीएलएड की प्रवेश परीक्षा को स्थगित कर दिया है, जिसकी जानकारी बोर्ड की तरफ से जारी कर दी गई है और सभी केंद्राध्यक्ष ने सभी जिलाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक को दे दी है। जिससे पहले यह परीक्षा जुलाई में आयोजित होने वाली थी, मगर कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए इसे अगस्त में शिफ्ट करवा दिया गया था। मगर अब कोविड-19 के मामलों में रुकावट के कोई आसार को नहीं देखते हुए एक बार फिर से परीक्षा को स्थगित करवा दिया गया है। प्राइवेट अस्पतालों में एंटीजन किट से जांच करवाने से पहले आईसीएमआर से लेना होगा अनुमति। निजी अस्पताल में कोविड-19 की जांच एंटीजन किट से करवाई जाएगी, लेकिन इससे पहले निजी अस्पतालों को आईसीएमआर से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। निजी अस्पतालों को मरीज के इलाज के लिए जरूरत के अनुसार कोविड-19 की जांच करने की अनुमति मिलेगी। ऐसा होने से सरकारी अस्पताल पर जांच की निर्भरता भी कम होगी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की माने तो निजी अस्पतालों को अपने यहां मरीजों के इलाज के लिए एंटीजन किट से कोविड-19 जांच करने के लिए आईसीएमआर को प्रस्ताव देना होगा। अगले 24 घंटे में बिहार में बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना। आने वाले 24 घंटे में बिहार के कई जिलों में बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 24 घंटे में राज्य में मॉनसून की गतिविधि सक्रिय देखने को मिलेगी। राज्य के सभी जगह पर हल्के से मध्यम बारिश हुई है। उत्तर पूर्वी और मध्य पूर्वी भाग में भी एक दो स्थान पर भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग की तरफ से जारी पूर्वानुमान के अनुसार बिहार के कई जिलों में बारिश की संभावना लगातार बरकरार है। दशरथ मांझी के परिवार की मदद के लिए सामने आए अभिनेता सोनू सूद। अभिनेता सोनू सूद कोविड-19 के इस माहौल में ऐसे हीरो बनकर उभरे हैं जिन्होंने हजारों परिवार की निस्वार्थ भाव से मदद की है। सोनू सूद ने अकेले ही अपने दम पर यह कर दिखाया है। इसी क्रम में सोनू सूद ने एक और परिवार के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। माउंटेन मैन के नाम से मशहूर दशरथ मांझी के परिजनों ने कुछ समय पहले ही सरकार से अपनी बुरी हो रही हालत के लिए मदद की गुहार की थी, मगर सरकारी चौखट पर से मदद की कोई पहल तो नहीं दिखी। लेकिन सोनू सूद ने इस परिवार की मदद के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया है, जिसके तहत उन्होंने ट्वीट करके बताया कि आज से इनकी तंगी खत्म, आज से ही इन्हें मदद का काम हो जाएगा भाई। गंडक में डूब रहे बुजुर्ग की डीएमएसपी ने मिलकर बचाई जान। पूर्वी चंपारण जिले में नदियों का जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है। सभी नदियां लाल निशान के ऊपर बह रही है। नदी के तेज बहाव के कारण टूटे भाग के मरम्मत का कार्य कर पाना मुश्किल दिख रहा है। तटबंध के टूटने की जानकारी मिलने पर डीएम और एसपी संग्रामपुर पहुंचे, जहां उन लोगों ने एनडीआरएफ की टीम के साथ मोटर बोट के तटबंध के कटाव स्थल का जायजा ले रहे थे। उसी दौरान डीएम और एसपी ने बाढ़ के पानी में फंसे बुजुर्ग की भी जान बचाई है। सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं, पानी में फंसे कई लोगों की जान डीएम और एसपी ने मिलकर बचाई। बाढ़ प्रभावितों को देने के लिए पैक हो रहा है राहत सामग्री। बिहार में बाढ़ की वजह से परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई है। प्रभावित क्षेत्रों में वायुसेना के हेलीकॉप्टर से अब एयर ड्रॉप करके राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। राज्य के 10 जिलों की करीब 10 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित हो चुकी है। 529 पंचायतें फिलहाल जलमग्न हो गई है। राजधानी पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री वितरित करने के लिए सिविल डिफेंस के कर्मी और आशा दीदी के द्वारा पटना जिला प्रशासन बाढ़ राहत पैकेट तैयार करवाया जा रहा है। इन सभी पैकेट को एयरक्राफ्ट के जरिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एयर ड्रॉप किया जा रहा है, ताकि बाढ़ प्रभावितों को राहत मिल सके।
तटबंध टूटने की वजह से गोपालगंज के कई गांव हुए जलमग्न। गोपालगंज जिले में गंडक नदी का तटबंध टूटने से जिले के कई इलाके में पानी भर गया है। मिली जानकारी के अनुसार बैकुंठपुर, मांझा, सदर और बरौली प्रखंड के अनेक गांव पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों में एनडीआरएफ टीम की तरफ से राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत कमांडेंट विजय सिन्हा ने बताया कि बीती रात गोपालगंज जिला प्रशासन से सूचना मिलने पर 9वीं वाहिनी एनडीआरएफ की टीम कमांडर के नेतृत्व में एक टीम बैकुंठपुर प्रखंड के बाढ़ प्रभावित ग्रामीण क्षेत्र में बचाव कार्य के लिए सैकड़ों लोगों को बाहर निकालकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा रही है। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एनएमसीएच से गायब हो रहे मरीज को ढूंढने के लिए लिखा पत्र। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र जारी करते हुए जमुई के रंजीत कुमार को ढूंढने की मांग की है। दरअसल जमुई के अंतर्गत शेखपुरा निवासी रंजीत कुमार कुछ दिनों पहले महावीर कैंसर संस्थान में अपना चेकअप करवाने आए थे, जहां पर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद रंजीत को शेखपुरा के आइसोलेशन सेंटर में रखा गया था, लेकिन शेखपुरा आइसोलेशन सेंटर से पटना एनएमसीएच के लिए उन्हें रेफर कर दिया गया था, जिसके बाद 3 जुलाई 2020 को एनएमसीएच में इनको भर्ती करवाया गया। अचानक 6 जुलाई को जब इनके परिवार वाले अस्पताल में गए तो वहां रंजीत कुमार मौजूद नहीं थे। तभी से रंजीत का परिवार हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा है, जिसके बाद चिराग पासवान ने एनएमसीएच के सुपरिटेंडेंट से इस मामले की जांच भी ली है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे राजेश कुमार की। बाबहू और बेबी में रोशेस सारा भाई का किरदार निभाने वाले और घर घर में अपनी पहचान बनाने वाले राजेश कुमार का जन्म बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। राजेश ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पटना में ही की थी और उसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से आगे की पढ़ाई की थी। राजेश कुमार ने अपने एक्टिंग करियर में कई सारे मशहूर टीवी सीरियल में काम किया है। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 1999 से की थी। वर्तमान समय में राजेश कुमार बिहार को स्मार्ट बनाने के लिए चकाचौंध भरी जिंदगी को छोड़कर अपनी एक्टिंग करियर को छोड़कर गाँव में खेती करने में जुट गए हैं। कोविड-19 मरीजों की सुरक्षा के लिए एनएमसीएच में खोले जाएंगे पुलिस चौकी। कोविड-19 में अस्पतालों के अंदर डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के लिए सेवा देने प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर सख्त कानून तो पहले ही बना दिया था, मगर जमीनी स्तर पर सुरक्षा मुहैया कराना प्रशासन के लिए अभी भी बहुत बड़ी चुनौती है। इसी को ध्यान में रखते हुए पटना के एनएमसीएच में डॉक्टरों की सुरक्षा पर सरकार को ध्यान गया है। पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय अग्रवाल ने एनएमसीएच परिसर में पुलिस चौकी खोलने का फैसला सुनाया है। सुरक्षा को लेकर शिकायत मिलने के बाद पुलिस आउटपोस्ट खोलने की स्वीकृति दे दी गई है। लॉकडाउन की वजह से कपड़े धोने पर मजबूर है बिहार की राष्ट्रीय महिला फुटबॉलर। कोविड-19 की वजह से पूरे बिहार में लॉकडाउन का पालन फिलहाल किया जा रहा है। वहीं बंद के दौरान कई लोगों की नौकरियां भी चली गई है और कई लोगों की परेशानी भी ज्यादा बढ़ गई है कि खाने को लोग मोहताज है। इसी क्रम में कोविड-19 की वजह से खिलाड़ी भी आजकल घर पर ही नजर आ रहे हैं। नरकटियागंज की राष्ट्रीय महिला फुटबॉलर मोनी भी ऐसी समस्या का सामना कर रही है। परिवार के लिए दो वक्त की रोटी जुटाने के लिए मोनी कपड़े धोने का काम कर रही है। मोनी के पिता यही काम करते थे, आजकल मोनी उनके पिता की मदद कर रही है। आज सुबह में आयोजित होगी राजद की वर्चुअल मीटिंग। तेजस्वी यादव ने भी अब विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। यही कारण है कि तेजस्वी यादव भी अब एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज राजद की वर्चुअल मीटिंग बुलाई गई है। अधिकारियों की माने तो तेजस्वी यादव को अब इस बात की पूरी आशंका सताने लगी है कि कोरोना संक्रमण के बावजूद चुनाव आयोग निर्धारित समय पर चुनाव करवा लेगा। इसको ध्यान में रखते हुए तेजस्वी यादव अपनी पार्टी के जिलाध्यक्षों की बैठक बुलाई है। बाढ़ के इस माहौल में पप्पू यादव ने सरकार को लिया आड़े हाथ। कोविड-19 और बाढ़ जैसे हालात को बढ़ता देख पप्पू यादव जमीनी स्तर पर लोगों की मदद के लिए जगह जगह जा रहे हैं। वहीं अब हाल ही में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने पश्चिमी चंपारण के बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने सरकार को भी निशाने पर लिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि आज पूरा उत्तर बिहार बाढ़ की परेशानी झेल रहा है, लेकिन लोगों को कोई सरकारी सहायता नहीं मिल रही है। हमने पूर्व में भी देखा है कि जब भी बाढ़ की परेशानी आई है सुशासन कमरे में बंद हो गया है। मैं सरकार द्वारा एक विशेष पैकेज की घोषणा की मांग करता हूँ। गंडक नदी का तटबंध टूटने से 3 दर्जन गांव डूबे। गंडक नदी में 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद गंडक नदी ने कई जगह पर परेशानी बढ़ा दी है। सारण तटबंध टूट जाने पर जिसकी वजह से 36 से ज्यादा गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। अब बाढ़ का पानी इस गांव में परेशानी बढ़ाने लगा है। सारण तटबंध टूटने के बाद देवापुर के पास NH-28 पर बाढ़ का पानी बह रहा है। यह पानी बाढ़ का है और गोपालगंज के बरौली प्रखंड के गाँव को अपनी चपेट में ले रहा है। इसके साथ ही सिद्धवलिया बैकंठपुर की ओर बढ़ रहा है। वहीं बांध टूट जाने की सूचना मिलने के बाद अफरा तफरी का माहौल है। वहीं बड़ी संख्या में लोग गांव छोड़कर सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं और बाकी जल्दी जल्दी जा रहे हैं।
राम मंदिर के लिए बिहार की 101 जगह से अयोध्या जाएगी मिट्टी और पानी। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास होने वाला है, जिसमें शिरकत होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं। वहीं राम मंदिर निर्माण में बिहार की 101 तीर्थ स्थलों और नदियों में मिट्टी और जल अयोध्या को भेजा जा रहा है, ताकि राम मंदिर के निर्माण में बिहार भी अपना योगदान दे सके। मिट्टी और जल भेजने का बेड़ा विश्व हिंदू परिषद ने उठाया है। विश्व हिंदू परिषद के सभी कार्यकर्ता काफी उत्साहित होकर अलग अलग जगह से मिट्टी इकट्ठा कर रहे हैं। 26 तारीख को डाक से इसे भेज दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में 15 से अधिक एजेंडों पर लगाई गई मुहर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई कैबिनेट बैठक में 15 से ज्यादा एजेंडों पर मुहर लगाई गई है, जिसके तहत उन्होंने सरकारी सेवकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकारी सेवकों को विशेष पारिवारिक पेंशन का लाभ दिए जाने का ऐलान किया गया है। अगर कोविड-19 संक्रमण में किसी सरकारी कर्मी की जान जाती है तो उसे विशेष रूप से पारिवारिक पेंशन दिया जाएगा। इतना ही नहीं, इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रथम अनुपूरक बजट के प्रस्ताव में भी मुहर लगा दी गई है, जिसे 3 अगस्त से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र में सरकार पेश करेगी। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पटना पुलिस ने काटे चलान। कोविड-19 के बेलगाम बढ़ते मामलों को देखते हुए 31 जुलाई तक लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। वहीं इस दौरान बेबाक घूमने वालों की कोई कमी दर्ज नहीं की गई है। अब तक पुलिस मुख्यालय की तरफ से चलाई जा रही मुहिम में 5 जुलाई से लेकर अब तक बिना मास्क के 1,14,87 लोगों के खिलाफ सख्ती दिखाई गई है। वहीं कुल मिलाकर अब तक 50,74,350 रुपये फाइन के लिए गए हैं। यह फाइन सिर्फ बिना मास्क पहनने वाले लोगों से लिए गए हैं। सिर्फ शनिवार की बात करें तो पूरे बिहार में 3,48,350 रुपये फाइन के रूप में वसूला गया है। कोविड-19 के लिए बिहार को केंद्र सरकार की तरफ से मिली मदद। बिहार में कोविड-19 के बेलगाम बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने अब मदद का हाथ आगे बढ़ाया है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने बिहार की मदद के लिए बी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर और एंटीजन टेस्ट किट की खेप भेजी है, जिसकी जानकारी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने खुद दी है। मंगल पांडे ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया है और बिहार सरकार द्वारा 1.8 लाख रैपिड एंटीजन टेस्ट किट मंगवाए जाने की बात कही है। कोविड-19 के माहौल में ड्यूटी से गायब रहने वाले 8 डॉक्टर की गई नौकरी। कोविड-19 के माहौल में आम नागरिकों का सहारा डॉक्टर और सुरक्षा कर्मी ही बचे हैं। ऐसे में अगर डॉक्टर भी अपने काम से गायब रहे तो फिर कोरोना के इस माहौल में लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं ऐसे डॉक्टर पर अब नीतीश सरकार ने नकेल कसना शुरू कर दिया है। सरकार ने 8 सरकारी डॉक्टरों को काम से बर्खास्त कर दिया है। इनके बर्खास्तगी के प्रस्ताव पर नीतीश कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। सेवा में लापरवाही की बात का हवाला देकर इन डॉक्टर को बर्खास्त किया गया है। कोविड-19 के कारण रेरा कार्यालय को किया गया बंद। बिहार में कोविड-19 के बेलगाम बढ़ रहे मामलों को देखते हुए भू संपदा विनियामक प्राधिकरण यानी कि रेरा कार्यालय को बंद कर दिया गया है। अब रेरा में वर्चुअल तरीके से ग्राहकों की शिकायत का समाधान निकाला जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप रेरा ने बिल्डर को फ्लाइट निर्माण के लिए समय में छूट दे दी है। कोविड-19 संक्रमण को लेकर राज्य में लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार के कार्यालय को कम स्टाफ के साथ खोलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन जिस तरह संक्रमण का दौर तेजी से बढ़ रहा है उसके बाद सरकारी कार्यालय को बंद करने का सिलसिला जारी है। तेजस्वी यादव ने की एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से घर से निकलने की मांग। विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए साथ ही बिहार में कोविड-19 और बाढ़ की समस्या को देखते हुए लगातार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते नजर आए हैं। इसी क्रम में उन्होंने एक बार फिर से अपने ट्विटर के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है और कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर सत सम्मान विनम्र विनती है कि कृपया कोविड-19 और बाढ़ जैसे गंभीर परिदृश्य में अदृश्य न हो। 130 दिन हो गए, कृपया अब तो जनता के लिए घर से बाहर निकलिए। कंगना के समर्थन में आए शत्रुघ्न सिन्हा। बॉलीवुड के गलियारे में जहां कंगना रनौत को लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, वहीं अब शत्रुघ्न सिन्हा सामने आकर कंगना का समर्थन करते नजर आए हैं। मिली जानकारी के अनुसार शत्रुघ्न सिन्हा ने कंगना रनौत का सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि कंगना के खिलाफ बोलने वाले लोग उनकी सफलता से जलते हैं। एक लीडिंग पोर्टल के साथ इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि मैंने अधिकतर लोगों को देखा है कि वो कंगना रनौत के खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि अंदर से वो लोग हमसे जलते हैं। वो लोग सोचते हैं कि हमारे रहमो करम के बगैर, हमारी मर्जी के बगैर, हमारे ग्रुप में शामिल हुए बगैर, हमारे आशीर्वाद के बगैर कोई भी लड़की बहुत आगे कैसे निकल गई है। इस बात को उनकी चिढ़ होती है कि वे लोग कंगना की सफलता से चिढ़ते हैं। स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी श्रीकांत ने धोनी को खेलते देखने की जताई इच्छा। पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत ने अब अपनी रुचि क्रिकेट की तरफ दिखाई है। इस साल आयोजित होने वाले IPL को लेकर यह काफी ज्यादा उत्साहित है, जिसको लेकर श्रीकांत ने हाल ही में सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी खुशी जाहिर की है और कहा है कि वो चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की वापसी को देखने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित है। इस बात को जानकर खुशी हुई है कि IPL होना है। मैं उत्साहित हूं और महेंद्र सिंह धोनी को दोबारा खेलते देखना चाहता हूं। महेंद्र सिंह धोनी ने पिछले साल के बाद में एक बार भी मैच नहीं खेला है। वहीं अब IPL के आयोजन के बाद धोनी की वापसी की संभावना जताई जा रही है।
अब पेंशन और इंश्योरेंस ऑफर्स देने की व्हाट्सएप कर रहा है तैयारी। व्हाट्सएप अब जल्द ही अपने यूजर्स के लिए पेंशन और इंश्योरेंस देने की तैयारी कर रहा है। हालांकि शुरुआत में यह पायलट प्रोजेक्ट होगा, लेकिन इसके तहत बीमा के अलावा माइक्रो फाइनेंस और पेंशन जैसी सुविधा भी मिलेगी। भारत में व्हाट्सएप के हेड अभिजीत बोस ने इस बात की जानकारी दी है और बताया है कि कंपनी का यह कदम ग्रामीण इलाकों में रहने वाले कम आय वाले लोगों के लिए लेकर आ सकती है। इसके लिए कंपनी ICICI, कोटक और HDFC जैसे बैंकों के साथ मिलकर काम कर रही है। व्हाट्सएप बैंकों के अलावा अन्य पार्टनर से भी बात कर रहा है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का जवाब हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अभिषेक कुमार, अमरजीत दास, शक्ति कुमार, योगेंद्र कुमार, रवि कुमार, प्रेमचंद्र कुमार, शंकर सिंह, संतोष साहनी, सुधांशु रंजन, मिथिलेश कुमार पांडे, पप्पू कुमार, रोशन कुमार, जितेंद्र कुमार, विपुल तिवारी। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार COVID-19 के बेलगाम बढ़ रहे मामलों के बीच अगर आपको अपने इलाके में बाहर जरूरी काम से निकलना पड़े तो आप सभी लोग बंद के नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।